Hello aspirants, welcome to collegedekho.com. This is a concept video and I'm going to take some of the questions from profit loss discount, and these questions are CAT PYQs. So we have first question, and it is saying a person spent ₹50,000 to purchase a desktop and a laptop, right? तो उसने 50,000 स्पेंड किया है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो डेस्कटॉप खरीदता है कंप्यूटर और एक लैपटॉप खरीदता है. सो व्हेनेवर वी हैव टू वेरिएबल्स, सो आई कैन टेक, बहुत बेसिक से बताता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप के प्राइस को और लैपटॉप के प्राइस को 100B अज्यूम कर लेता हूँ और इसको 100L अज्यूम कर लेता हूँ, राइट? इतना तो एक्चुअली सारे बच्चे सोच सकते हैं. तो इन दोनों को मिला के जो मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा, that would be 50,000. Hopefully it is clear, right? This is the CP, cost price की मैं बात कर रहा हूँ. I'm taking the CP, cost price. So यहाँ से 100 common लेने पर D plus L should be equals to 500. इनका मतलब जो D plus L का combined value है वो 500 है. Hopefully it is clear. Now it is saying he sold desktop को 20% profit पे and laptop को 10% loss पे. Overall 2% का फायदा होता है, right? चलिए. तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, अभी हम सेलिंग प्राइस पे बात करते हैं, तो डेस्कटॉप पे वो कमा रहा है कितना, 20%. तो इसका 20% बोले तो 100 का 20, तो 120D हो जाएगा. एंड लैपटॉप पे वो लॉस कर रहा है 10%, तो इसका 10% अगर वो लॉस करता है माइनस का 10%, तो उसको अभी भी 90L तो मिल नहीं है. एंड ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट होता है. ओवरऑल का मतलब इस पे 2% कमाएगा, तो इसका 1% होगा 500, 10% 5000, 1% 500, तो 2% हो जाएगा 1000. तो कंबाइंड ये इसकी वैल्यू 51,000 उसको सेलिंग प्राइस है. तो अगेन एक जीरो तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, तो आई कैन से 12D प्लस 9L इक्वल्स टू 5100. इवन 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 एंड 1700. Now I have two equation, two variable, definitely I can solve. D plus L की value है 500 and 4D plus 3L is actually 1700. तो ये काम करते हैं, इसको 3 से multiply कर लेते हैं. ये इतना method से basic से समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा बिल्कुल shortcut वाला, right? तो इसको हम 3D plus 3L equals to 500 into that is 1500 and 4D plus 3L equals to 1700. तो ये माइनस माइनस माइनस, सो दिस इज कैंसिल आउट. माइनस का डी इक्वल्स टू माइनस का 200, सो डी की वैल्यू आ गई 200, दैट इज अ डी 200. तो कंबाइंड वैल्यू 500, तो एल आ जाएगा ₹3000. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, डेस्कटॉप का प्राइस पूछा है, तो डेस्कटॉप का प्राइस हमने अज्यूम किया था 100 टाइम्स ऑफ डी, तो 100 एंड डी की वैल्यू है 200. ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ₹20,000 का डेस्कटॉप प्राइस है, और ये क्या 2020 शॉर्ट वन का क्वेश्चन है. बट ये तरीका मुझे जमता नहीं है. क्यों नहीं जमता है, बिकॉज ये टाइम टेकिंग है. आपको अगर बहुत बिगिनर लेवल पे हैं तो ये करने का प्रो वाले तरीके से करते हैं, राइट? मैं इसको रब करता हूँ, आप याद रखेंगे 20,000, सो दैट ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? टाइम टेकिंग अनदर मेथड. ओके, सो वी हैव अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So I'll be using, right. So मैं एलिगेशन और मिक्सर वाले जो कंसेप्ट है उस पर काम करता हूँ. एलिगेशन लगाते हैं, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप लिखना है, यहाँ पे लैपटॉप लिखना है. डेस्कटॉप पे फायदा हो रहा है कितना, दैट इज 20%, तो 20% प्रॉफिट प्लस, और यहाँ पे लॉस हो गया 10%, तो लॉस का मतलब माइनस होता है. तो जो भी कोई बच्चा मैथ्स में थोड़ा अच्छा है उसको एलिगेशन समझ में आता होगा, और ओवरऑल आपको 2% का फायदा हो रहा है, तो ओवरऑल को यहाँ लिख दो बस, कुछ सवाल में बचा ही नहीं है. बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे डायगोनल, तो 20 माइनस 2 18 एंड 22 माइनस माइनस 10, तो ये हो जाएगा 12, बिकॉज 2 माइनस ऑफ माइनस 10, तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18. एंड ये जो रेशियो आया है इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये जो रेशियो आता है कॉस्ट प्राइस का रेशियो. अगर हम प्रॉफिट लॉस लिखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब मैं इसको 2x और इसको 3x अज्यूम कर लेता हूँ, तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्वेश्चन में 50,000 है, राइट? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1000, सॉरी 50,000 है तो 10,000 आ जाएगा. तो अगर x की वैल्यू 10,000 होगी तो डेस्कटॉप कितना आपके पास 2x है, तो प्राइस ऑफ डेस्कटॉप विल बी 2x एंड x इज कमिंग आउट टू बी 10,000. तो इससे आसानी तरीका नहीं हो सकता, तो 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, राइट? सो वी हैव अनदर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये
ये भी बहुत 2017 शॉर्ट टू का क्वेश्चन है, बाइंग बाई सम कैंडीज फॉर रुपीज 15 ए डजन, राइट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस लिखना है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है। तो मयंक ने कितने रुपए दे रहा है? 15 रुपए, और क्वांटिटी 1 डजन की बात करते हैं, मैं डजन में ही सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद दूसरे टाइप की कैंडी खरीदी है उसने, C1, T2 और C2, दूसरे टाइप की कैंडीज है ये, 12 रुपए की 1 डजन खरीदी है, और उसने वर्ड लिखा इक्वल नंबर। सो ऑलरेडी नंबर इक्वल है, सो मैं कुछ नहीं सोचना है मुझे। अगर हम टोटल देखें तो इसने टोटल क्या क्या किया, तो टोटल इसने जो परचेज किया है 27 रुपीज का परचेज किया है, 2 दर्जन क्वांटिटी। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अभी क्या बोलता है ये, एंड सेल ऑल, सब कुछ बेच दिया 16.5 8 डजन, 1 दर्जन 1650 में। तो मैंने तो 2 दर्जन खरीद के रखा भैया, तो 1650 डबल करेंगे, वाई सो डबल करेंगे, क्योंकि बोलता है सेलिंग प्राइस 1 दर्जन का 16.5 है, तो 2 दर्जन का कितना हो जाएगा, दैट इज अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 33 रुपीज। सो आई कैन बी वेरी श्योर के 24 मतलब 2 दर्जन बेचने के लिए आपको सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, ये सीपी है ऊपर, यहाँ पे 33 रुपीज आपको मिले हैं। ऑफकोर्स देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 27 और 6 33, तो 6 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। बिकॉज यूनिट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी बाई हुई है, बस ये पता है दर्जन का एक पैकेट बन रहा है, तो 6 यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है 150 रुपीज का, मतलब जो 6 यूनिट है वो 150 के बराबर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई कैन से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 रुपीज। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ 1 यूनिट 25 रुपए। अभी बोलता है हमसे हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडीज डिड ही बाय टुगेदर, तो इसने कितनी कैंडी बाय करी है, 1 यूनिट 6 है, तो 2 दर्जन मतलब मेरे लिए 2 यूनिट है ये, और 1 यूनिट को आप 25 बोलते हो, 2 × 25 उसने 50 डजन जो है वो बाय करे हैं। जब भी 1 यूनिट की वैल्यू आती है वो सब में मल्टीप्लाई होती है, राइट। तो दिस वाज द कांसेप्ट, एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा टेक्निकली सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इसको करने के बहुत तरीके हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको आसान वाला तरीका ही बता देता हूँ, जो प्रो तरीका है। इस पर थोड़ा सा आपको गुणांक लगाना पड़ेगा, जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ। अनिल के पास 12 टॉयज है, हाँ आई एम राइटिंग, अनिल के पास 12 टॉयज है, अनिल हैज 12 टॉयज। नाउ ईच का लेवल सेलिंग प्राइस सबको सेम है, उसने 8 बेच दिए, तो 8 और 4 में बाइफरकेट कर दिया उसने, ठीक है। 8 को 20% डिस्काउंट पे बेचता है, तो यहाँ पे 20% तो देता ही देता डिस्काउंट है, और ही सेल्स रिमेनिंग 4 एट एडिशनल 25% डिस्काउंट, मतलब इसको 20% तो डिस्काउंट मिल रहा है 4 पे, लेकिन D2 को यह और डिस्काउंट दे रहा है एडिशनल 25%। तो कुछ बच्चे ज्यादा ही दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर टोटल 45% डिस्काउंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सक्सेसफुल डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो अगर मुझे निकालना है नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो भैया नेट डिस्काउंट निकालने का सिंपल सा आसान तरीका है, मैं सिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो सबसे पहले इन दोनों का नेट निकालेंगे, नेट डिस्काउंट 20% और 25%, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका होता है 1/4, मतलब 5 रुपए की चीज को आप 4 पे बेचोगे, 1 रुपए का डिस्काउंट देना है 20%, और यहाँ पे 4 रुपए की चीज को हम बेचेंगे 3 रुपए पे। तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 20 रुपीज को मैं 12 पे बेच रहा हूँ, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 8 का डिस्काउंट ओवर 20 × 100, क्योंकि डिस्काउंट है तो ये एनपी काउंट होता है और ये सेलिंग प्राइस काउंट होता है। तो अगर ये आपको कंसेप्ट वीडियो चाहिए ना कि कैसे कैसे हो पा रहा है, तो सेलेक्शन क्लासेस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, सो दैट आप अपने जो कंसेप्ट है उनको ब्रशअप कर पाए। सो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो 8/20 मतलब ये 40% का नेट डिस्काउंट है, तो मैं इसको 2 डिस्काउंट ना मान के 20% तो मैं इस पे मान लेता हूँ, और यहाँ पे 40% डिस्काउंट मान लेता हूँ, राइट। मेरे लिए अभी दोनों का कंबाइंड वैल्यू 40% है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेशो देखता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो है 2:1, 4 × 8 एंड 4×1, इसका मतलब 2:1 तो क्वांटिटी है, और इस पे डिस्काउंट आप दे रहे हो सर 20%। डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है फॉर द शॉपकीपर,
टोटल कितना आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना इनको, राइट। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, और ये भी हो जाएगा माइनस का 40, एंड डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जेक्ट है, 3। तो माइनस का 80 अपॉन 3% है, राइट, माइनस का 80 अपॉन 3% है। ओके, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 80/3, तो फ्रैक्शन करने के लिए इंटू 1/100 करते हैं, सो दैट इज 2 4 and 2 6 5, तो 11/15, मतलब 15 रुपए के आर्टिकल को 4 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो 11 पे सेल कर सकता, राइट। अभी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब अगर मार्क प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, राइट, ये बात समझ में आती है। भाई बोलता है कि ओवरऑल 10% का फायदा भी हो रहा है, भैया 10% कितना होता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड नो इट इज 1 out of 10, तो यहाँ पे 10 काउंट होगा कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस 10 लेता हूं तो सेलिंग प्राइस मुझे 11 करना पड़ेगा, ऑलरेडी 11 ही है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सिंपल सिंपल सा आपको पूछ गया, इनका रेशियो पता चल गया 10, 15 और 11, सो दिस इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बचा है, इसका कोई यूज ही नहीं था, ये सवाल फालतू दे रखा था, विद नो डिस्काउंट, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है मतलब वो मार्क प्राइस पे बेच सकता है, अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट मांग ही नहीं रहा है तो जितना टैग प्राइस है उस पर सेल कर सकता है ऑफकोर्स, तो अगर नो डिस्काउंट की बात कर रहा है ना ये, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, राइट, तो अगर वो 0% डिस्काउंट देता है, भैया 0% डिस्काउंट का मतलब होता है दैट इज एसपी जो हो जाएगा वो एमपी के बराबर हो जाएगा, मार्क प्राइस में बेचेगा, तो 10 रुपए की चीज को 15 पे बेचने के लिए अब वो फ्री है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 5 का फायदा कर रहा है, नहीं कर रहा, कितने पर कर रहा है, 10 पर इंटू 100, तो बच्चे बच्चे को पता है सर ये 50% का प्रॉफिट कमा देगा, तो इसका आंसर 50% होगा। सो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको मैंने सिखाए हैं ये आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, और अगर आप प्रो हैं मैथ्स में अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन है, आप सिर्फ चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और इसी तरह के और भी वीडियोस आपको सिलेक्शन क्लासेस पर मिलेंगे, और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप collegeeco.com को विजिट कर सकते हैं, सो दैट आपको आपके जो करियर पाथ है आपको वहां पे हेल्प मिलेगी बाय द कॉलेज देखो टीम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।